सोलन पुलिस ने चिट्टे की तस्करी में एक और विदेशी मूल के व्यक्ति को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। ये इस माह में पुलिस द्वारा पकड़ा गया तीसरा विदेशी तस्कर है। इस नशे के सौदागर को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। बीते दिनों कंडा घाट में पुलिस द्वारा नाके के दौरान एक युवक बासुधीर ने 32 ग्राम चिट्टे की खेप सहित गिरफ्तार किया था, जिससे गहन पूछताछ की गई और उससे मिली जानकारी के आधार पर पुलिस की टीम ने दिल्ली में दबिश दी और विदेशी मूल के तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। सोलन पुलिस ने चिट्टे की तस्करी में एक और विदेशी मूल के व्यक्ति को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। ये इस माह में पुलिस द्वारा पकड़ा गया तीसरा विदेशी तस्कर है। इस नशे के सौदागर को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। बीते दिनों कंडा घाट में पुलिस द्वारा नाके के दौरान एक युवक बासुधीर से 52 ग्राम चिट्टे की खेप सहित गिरफ्तार किया था, जिससे गहन पूछताछ की गई और उससे मिली जानकारी के आधार पर पुलिस की टीम ने दिल्ली में दबिश दी और विदेशी मूल के तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। मामले की पुष्टि करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सोलन शिव कुमार ने कहा कि सोलन पुलिस ने कुछ दिन पहले कंडा घाट में पकड़े गए एक युवक से पूछताछ की और उससे ये पता लगाया कि वह चिट्टी की खेप आखिर किससे लेकर आया था, और जो पकड़े गए युवक ने जानकारी दी थी उसके आधार पर उन्होंने दिल्ली से एक विदेशी मूल के व्यक्ति आईफिनी फ्रेंक को गिरफ्तार कर लिया है। 20 तारीख को कंडा घाट थाना के अंतर्गत बाकना घाट के पास एक व्यक्ति जिसका नाम वासुधीर है, उससे 52 ग्राम हेरोइन रिकवर की गई थी। इस केस में जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गई, सोर्स पे काम किया जा रहा था, तो इसमें एक दिल्ली से एक व्यक्ति जो अपने आप को नाइजीरियन मूल का बताता है, इसका नाम आईफिनी फ्रेंक है, उसको कंडा घाट में गिरफ्तार किया गया है। इसकी एज 35 ईयर्स ओल्ड है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है।